हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार ये हम लोग का है जावास्क्रिप्ट कोर्स, जिसको आप लोग फॉलो कर लेना स्टार्टिंग से देखना, ताकि हम लोग स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड नेम, टैग नेम, इन एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ओपन करेंगे अपना जो जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर था, उसको ओपन करेंगे वीएस कोड के अंदर। तो सो मोशन करके अपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करता हूँ। वीएस कोड के अंदर ओपन करने के साथ मैं इसको डिलीट करूंगा, डेस्कटॉप आई एन आई डिलीट करूंगा, एंड उसी के साथ इंग्लिश वो जिसमें लिखा हूँ तो ये बिल्कुल ही सही है। इसमें भी मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, स्टाइल ऑफ सी एस एस भी मेरा बिल्कुल ही साफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यार कंसोल लॉक कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को, एंड डॉक्यूमेंट को कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मैं सिंपली गो लाइव करके ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको मैं ओपन करूंगा। कहाँ पे मेरा यहाँ पे, और मैं इसको ओपन व्यू पे सोर्स इंस्पेक्ट करके इसको ओपन करूंगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको जूम इन करूंगा एंड रिलोड करके यहाँ पे देखाऊंगा। तो यार ये है हमारा डॉक्यूमेंट जो अभी हम लोग का डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्या है डॉक्यूमेंट, इसको अगर आप लोग बहुत अच्छे से देखना चाहते हो ना, तो कंसोल डॉट लॉग की जगह आप लोग यूज करो कंसोल डॉट डी आर। एंड आप लोग जैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखोगे ना, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से बता देगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सा चीज अवेलेबल है। अगर आप इसको अभी ये देखोगे तो मतलब आप लोग इसको फुल डिटेल मैनर में आप लोग इसको देख सकते हो क्या आखिर है यार आपके कंसोल में। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नोड नेम पे। तो नोड नेम क्या होता है, नोड नेम होता है जब भी आप लोग कोई भी ये देखते हो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही नोड बताया था। अगर आप लोग ये वाला वीडियो आप देखे होंगे, यहाँ पे जब मेरा डोम प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने सब पहले ही वीडियो में सबसे पहले डोम के बारे में ही बात किया था, और डोम और नोड के बारे में ही बात किया था। अगर आप किसी का भी नोड पता करना हो तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, नोड नेम का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, जिसका फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड उसका नोड नेम बताओ। ठीक है, नोड नेम बताओ, तो यहाँ पे नोड नेम अगर मैं करूँगा तो वो टेक्स्ट होगा। क्यों टेक्स्ट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा होगा, मैं यहाँ पे अगर मैं अपना ये देखूँ तो मेरा नोड नोड नेम का फर्स्ट एलिमेंट ये है, एंड उसका जो सेकेंड एलिमेंट वो क्या है, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड। बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड क्या है, ये मेरा एक कमेंट टर्न है। तो बेसिकली बॉडी का फर्स्ट शेल क्या है, ये मेरा एक स्पेस है। तो स्पेस क्या होता है, एक टेक्स्ट नोट होता है। तो यहाँ पे मेरे को क्या बता दिया, यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट नोट बता दिया। अगर मैं यहाँ पे यूज कर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मेरा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड मेरा डिब है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड नोट नेम, और फिर मैं यहाँ पे लिखता तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पे मेरे को डिब मिलता, क्योंकि मेरा यहाँ पे डिब था। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नोट नेम। वैसे ही टैग नेम भी होता है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली नोट नेम के जगह पे टैग नेम लिख लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टैग नेम करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका टैग नेम। तो नोड नेम और टैग नेम को क्या बताता है, आपको ये बताता है कि आप जो जिसको आप सेलेक्ट कर रखे हो उसका कौन सा नोड है, कमेंट नोड है, टेक्स्ट नोड है, या एलिमेंट नोड है। तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो। एंड अब आगे बढ़ते हैं यार इनर एस्टीमेट पे। तो इनर एस्टीमेट क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड मैं अगर मान लो मैं इसको क्या कर रखा हूँ, मैं इसको करता हूँ इम्पोर्ट, मतलब मैं जो मेरा मेन डिव है इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। तो इसको मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे जाके लिख सकता हूँ कि लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, क्योंकि मैंने मेन मेथड आपको बता रखा है। आप लोग ये जो वीडियो है इसको फॉलो कर लेना, इसको देख लेना, मेन मेथड वाला, ये जो ये वाला है इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट डोम, इसमें मैं इसके लिए मैंने ये सारे मेथड बता रखे, तो आप लोग ये देख लेना। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय, क्लास नेम मुझे यहाँ पे यूज करना है, क्लास नेम में मेरा क्या होगा, मैं यहाँ से इसका क्लास को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। एंड पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था मुझे जीरो क्यों लगाना है, कंसोल लॉग मैं डिप को करूंगा। तो मैं जैसे ही कंसोल लॉग डिप को करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरे को यहाँ पे डिप मिल जाएगा। अगर मान लो मेरे को इस डिप का जो इसके अंदर का कंटेंट है मुझे वो देखना होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ डिप डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल। तो इनर एचटीएमएल क्या करेगा, इस डिप में जितना भी इसका एचटीएमएल कोड है ना वो मेरे को देगा। जैसे आप देख सकते हो इनर एचटीएमएल क्या किया, इस डिप के जितना भी इसके अंदर वाला कोड है ना वो आपको दे देगा। वैसे ही इनर टेक्स्ट होता है, इनर टेक्स्ट मतलब आपको वो देगा बट इनर टेक्स्ट फॉर्मेट देगा। ठीक है, इनर टेक्स्ट के लिए आप लोग को पी कैपिटल एंड टेक्स्ट
यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो इनर टेक्स्ट क्या कर देगा, आपको वो एस्टिमेट फॉर्म में नहीं देगा, आपको वो क्या देगा, टेक्स्ट के फॉर्मेट में देगा। वैसे ही बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि आपको ये पता कर सकता है, आपको ये कंटेंट दे सकता है, जैसे कि डेटा भी होता है, ठीक है। तो डेटा क्या करेगा, वो भी ये आपको अनडिफाइंड देगा, बट डेटा जो होता है वो कहाँ पे चलता है, वो डेटा चलता है आपके लिस्ट वगैरह पे। एंड नोड वैल्यू एक होता है, यहाँ पे नोड वैल्यू अगर इस पे चलाऊं तो नोड वैल्यू भी यहाँ पे मेरे को क्या आएगा, नल आएगा। एंड फिर मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट कंटेंट चलाऊं तो टेक्स्ट कंटेंट क्या करेगा, टेक्स्ट कंटेंट आपको बताएगा कि आप लोग मतलब टेक्स्ट कंटेंट आपको यहाँ पे ये बताएगा कि आपके डिब में क्या क्या टेक्स्ट जो है वो कंटेंट हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इनर एस्टिमेट इनर टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। इनर टेक्स्ट के साथ आउटर टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, आउटर एस्टिमेट भी होता है। तो आउटर एस्टिमेट का मतलब होता है कि मैं जिस पे चला रहा हूँ मेरे को वो भी इंक्लूडेड चाहिए, एंड उसके अंदर जो है मुझे वो भी चाहिए। तो आपको ये डिव भी मिलेगा, एंड डिव के अंदर हेडिंग पैराग्राफ है वो भी मिलेगा। वैसे ही आउटर टेक्स्ट भी होता है, आउटर टेक्स्ट और आउटर टेक्स्ट आपको ये डिव के साथ साथ वो वाला टेक्स्ट भी ला के देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि डेटा डॉट डेटा इन जावास्क्रिप्ट, मैं क्यों डॉट डेटा यूज करता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पे डेटा टाइप बता रहा है एंड यहाँ पे ये चीज देखने को नहीं मिल रहा है। तो डॉट डेटा नहीं, डॉट टेक्स्ट नोड वैल्यू में कर देता हूँ, नोड वैल्यू जावास्क्रिप्ट, एंड मेरे को यहाँ पे नोड वैल्यू प्रॉपर्टी मेरे को यहाँ पे दिख गया है, मैं इसको अब सिंपली देखूंगा। तो डॉक्यूमेंट के में बटन वैल्यू एंड चाइल्ड नोड डॉट नोड वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन इसके बारे में है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो उसका डिस्क्रिप्शन। एंड पढ़ने के साथ साथ आप लोग इसको देख सकते हो कि ये क्या क्या यूज होता है, एंड मैंने जो जो आपको यहाँ पे बताया है कि इनर एचटीएमएल ये होता है एंड इनर टेक्स्ट ये होता है, तो आप इसको इतना यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किसके बारे में देख लिया, इनर एस्टिमेट इनर टेक्स्ट एंड ये सब के बारे में देखा। डॉट डेटा डॉट नोड वैल्यू, ये दो चीजें जो कि आपको देखना पड़ेगा। ये बेसिकली एलिमेंट टेक्स्ट मोड पे काम करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई मैं यहाँ पे कोई बना दूँ ये कि कमेंटेड, यानी यहाँ पे जाके मैं ये लगा दूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट डेटा। यहाँ पे मैं अगर देख लूँ अगर तो कुछ बिल करके डेटा को फिर मैं नोड वैल्यू भी कर दूँ, नोड वैल्यू, देन मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ भी नहीं, सिंपली मेरे को खाली दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डॉट डेटा डॉट एलिमेंट चाइल्ड, मैं यहाँ पे कर दूँ डॉट फर्स्ट चाइल्ड, मेरा क्या है डॉट फर्स्ट चाइल्ड, मेरा ये स्पेस है, तो मैं ये स्पेस भी हटा दूँ तो मेरा पे कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो डॉट डेटा और डॉट नोड वैल्यू ये किस पे रन करता है, आपका कोई कमेंट हो जाए उस पे रन करेगा, या आपका कोई क्या आपका कोई ये टेक्स्ट हो जाए तो उस पे ये रन करेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे मैं देख क्या इस पे मेरा नोड वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेंट इस पे चला सकता हूँ, सब देखोगे तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली होता है यार कुछ ऐसे मेथड जो जिसके जिसकी मदद से आप लोग एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसके अंदर के एचटीएमएल और उसके अंदर के टेक्स्ट को निकाल सकते हो। तो ये जो बेसिकली है जावास्क्रिप्ट का कोर्स है उसको आप लोग फॉलो कर लेना सटीक तरीके से, आपको एक चीज समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।